हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। एंड गाइस, आज हम वापस से खेलने वाले हैं कार फॉर सेल। एंड ये है हमारे कार फॉर सेल की थर्ड वीडियो। एंड अगर आप लोगों ने इससे पहले की दो वीडियो भी नहीं देखी हैं तो जाकर देख लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। एंड अपने ऑफिस को करते हैं ओपन। एंड गाइस, आप लोगों को जैसा कि मालूम था भाई, हमने कितनी ज्यादा मेहनत करी है। पहले हमारे पास कहां $7,000 थे, एंड आज हमारे पास $31,000 हो चुके हैं। एंड सीधा चलते हैं नेबरहुड एंड गाड़ियां लेकर आते। तो गाइस, आज हम बहुत सारी गाड़ियां लेने वाले हैं, लिटरली बहुत सारी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे पैसा है तो मैं काफ़ी सारी गाड़ियां ले सकता हूं। आती भाई एक विंटेज कार दिख चुकी है जो कि कंडीशन ठीक ठाक है, एंड इसको हम बाय भी कर सकते हैं। थोड़ा बार्गेन करते हैं, $24,000 का ऑफर करते हैं यार थिंकिंग के। ओके, तो गाइस हमारी हो चुकी है डील डन। एंड सीधा हम इस गाड़ी को भेजते हैं भाई रिपेयरिंग सेंटर। एंड अब हमारे पास ओनली $7,800 और बच चुके हैं, तो शायद इनसे मैं एक कार ही और खरीद पाऊंगा। ये तो खरीद नहीं पाएंगे भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगे है। एंड देखते हैं कि शायद कोई अच्छी सी और डील मिल जाए, फिर सीधा चलेंगे अपने शोरूम पर। एंड पहली बार मैंने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है गाइस। ओके, ये $7,400 की मेरे को मिली। आई थिंक मैं इसको ले सकता हूँ, $7,200 ऑफर करते हैं, आई थिंक मिल जानी चाहिए। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने एक और गाड़ी खरीद लिया। एंड इसी को मैं लेकर अपने ऑफिस पर जाने वाला हूँ। गाड़ी करते हैं स्टार्ट एंड लेकर चलते हैं अपने ऑफिस पर। एंड भाई, इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज है, थोड़ा सा इसमें काम कराने की ज़रूरत पड़ेगी। चलते हैं ऑफिस पर। एंड यार, आज काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी यार, मैं खरीद सकता था, बट अब हमारे पास सोलर नहीं बचे हैं। एंड ड्रिफ्ट बहुत कर रही मार रही है भाई ये गाड़ी, तो इसे लेकर चलते हैं। एंड इसे यार रिपेयर भी कराना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज है गाड़ी। एंड बंद करते हैं एंड उतरते हैं एंड कराते हैं रिपेयर। ओके, ज़्यादा डॉलर नहीं लग रहे हैं, मतलब इतने हैं हमारे पास। और गाइस, आज तो सीरियसली हम कंगाल हो गए ओनली इस गाड़ी के चक्कर में, जिसे मैंने एक बार भी चलाकर तलक नहीं देखा गाइस। एंड गाड़ी स्टार्ट हो गई और मुझे पता भी नहीं चला भाई। वाओ, गाड़ी बहुत अच्छी है गाइस, कंडीशन में भी बहुत अच्छी है एंड चलने में भी, बट एकदम ऐसे झूला सी गाड़ी हो रखी है एंड वाइट कलर हो रखा है। तो पहले इसे खड़ा करते हैं। एंड भाई, इसको मैं सीधा बेचने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा महंगी बेचने वाला हूँ भाई। ओके, तो पहले इसे लगाते हैं सेल पर। $24,000 की है भाई ये, तो 30 से कम की तो मैं इसे बेचने नहीं वाला। पुट ऑन सेल एंड बैक आते हैं। अक्कर भाई बिक गई तो सीधे 4,000 का, नहीं 6,000 का इसमें मुझे फ़ायदा होने वाला है। एंड इसे भी साफ कर लेते हैं। क्लीन पीछे से थोड़ी सी और क्लीन कर लेते हैं। ओके, ओह कस्टमर भी आ चुका है। एंड ये वाला डोर थोड़ा गंदा, इसे भी साफ कर लेते हैं। ऑल राइट, तो करते हैं सीधा मैडम से बात, देखते हैं कितने की इसे खरीदने वाली हैं। लो जी लो, मुझे यार ज़्यादा महंगी बेचनी चाहिए। कर देखें क्या गाइस, मैं इसे दोबारा वो कर आ सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं बैग जाता हूँ एंड इसे हटा कर दोबारा से सेल पर लगाने वाला हूँ और ज़्यादा प्राइस पर लगाने वाला हूँ, क्योंकि यार बार्गेन करके हम कम कर ही देंगे वो तो। इससे रिमूव फ्रॉम सेल एंड अगेन, एंड अब के डालने वाला हूँ इसके $35,000। पुट ऑन सेल एंड बैक। एंड गाड़ी कितने परसेंट देखते हैं, गाड़ी क्लीन है ना? हाँ, 7% रहती है, तो काफ़ी क्लीन मैंने गाड़ी कर दिया है। ओके, तो कस्टमर आ चुका है, ऑन करते हैं, इसे रखते हैं जेब में एंड कस्टमर से बात करते हैं। हाँ भाई, 35,000 की भी गाइस ये गाड़ी बिक रही है। तो गाइस बताओ जल्दी से, क्या बेच दें हम या फिर और बढ़ा कर डालें? भाई सेल कर देते हैं, ज़्यादा लालच भी ठीक नहीं है। 35,000 ऑलरेडी भाई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इस गाड़ी से हो चुका है। 11,000 का मैंने इस गाड़ी से भाई प्रॉफिट कमाया है। सच्ची में कुछ ज़्यादा ही भाई, सच्ची में गाइस यार कुछ ज़्यादा ही बढ़िया गाड़ी मुझे मिल गई। मुझे एक काम करना पड़ेगा, ऐसे ही विंटेज कार पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पैसा कमाना है तो विंटेज कार पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड इसको भी खड़े करते हैं। अबे अभी तो यार रिपेयर करा के लाया था यार। चलो भाई निकलो, जाओ तुम पहले यार। खड़ा करते हैं एंड उतरते हैं। एंड बैठना नहीं है गाड़ी में, देखना है कितना 3% डैमेज हो गई यार गाइस। ओके, रात हो चुकी है, तो एक काम करते हैं इसे सेल पर लगाते हैं एंड मॉर्निंग में आके ये सेल करेंगे इसे। तो इसे लगाते हैं सेल पर, तो इसे मैं बेचने वाला हूँ 12 की। बार्गेन करके कम कर ही देंगे हम। एक बात तो गाइस मेरे समझ में आ चुकी है गाइस, कि हमें प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि देखो हम बार्गेन करके कम तो कर ही लेंगे, तो इससे फ़ायदा है कि हम उसे ऑलरेडी ज़्यादा प्राइस में डालें, क्योंकि बाद में रिग्रेट होता है यार कि शायद और महंगी बेच सकता था मैं। क्योंकि भाई विंटेज कार में मुझे रिग्रेट हो रहा है यार, मैं उसे मतलब सीरियसली 30 की बेचा तो भी बिक रही थी, 35 की तो भी बिक रही थी। ऑलराइट, तो मॉर्निंग हो चुकी है, गुड मॉर्निंग गाइस। एंड
करते हैं बंद और सीधा चलते हैं ऑफिस पर एंड जाकर उस गाड़ी को देखते हैं एंड पहले ऑफिस को। अबे यार मैंने नेबरहुड का भी फिजूल का खरीदा, तो अब आए हैं नेबरहुड तो पहले कोई गाड़ी खरीद कर ही चलते हैं क्योंकि 35,000 हमारे पास है डॉलर, तो मैं एक ठीक ठाक गाड़ी खरीद सकता हूँ। 21 की है तो इसे ले लेते हैं, एक काम करते हैं $20,000 ऑफर करते हैं। आई थिंक मान जाना चाहिए भाई, $20,000 एकदम ठीक है, नॉट सफिशियंट बता रही है। 21 की तो दे रही है यार, तो 500 और बढ़ा दो आई थिंक, अब तो दे दो। ओके आई नीड इट, ओके तो कार ठीक मिल गई है एंड इस कार को भी भाई सीधा टो करा कर भेजते हैं अपने ऑफिस पर। एंड ये कार भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है एंड ओके इस कार को भी मैं भाई लेने वाला हूँ $8,000 की ऑफर। ओके एक कार और ख़रीद ली हमने, इसको भी सीधा भेजते हैं। ओके ये कार भी मुझे अच्छी लग रही है, इस कार को भी मैं ख़रीदने वाला हूँ। बार्गेन नहीं भाई, अब नहीं ख़रीद पाएंगे ये कार, नहीं ख़रीद पाएंगे क्योंकि रुपये बचे ही नहीं है। एंड मैं सीधा चलता हूँ भाई अपने ऑफिस पर, दो कार मैंने ख़रीद ली एंड अब ऑफिस पर चलते हैं, ऑफिस को करते हैं ओपन। भाई ऑफिस अभी हमारा क्लोज ही पड़ा है। ओके हमारी गाड़ी आ चुकी है, ओपन करते हैं एंड इस गाड़ी को भी लगाते हैं भाई सेल पर। एंड अबे उतरना नहीं था, कैमरा एंगल चेंज करना था। ओ भाई गाड़ी मस्त है यार, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है गाइस मुझे, गाड़ी साउंड तो काफ़ी बहुत ही मस्त है। ओबे ओके डस्टिन में नहीं ठुकती, मैं सोचा था डस्टिन में ठुक जाती है। ओके उतरते हैं एंड कस्टमर आ चुका है, बात करते हैं। कितने की लगाई थी मैंने, 12 की लगाई थी ना आई थिंक, हाँ 12 की लगाई थी, देखते हैं क्या 12,000 इसके मिलते हैं। ओके बहुत बढ़िया गाइस 12,000 मिल गए यार, बार्गेन करने का ऑप्शन भी नहीं दे रहे यार अब तो। ओके आज ऑक्शन ओपन होगा तो चलते हैं यार गाइस, आज आई थिंक ऑक्शन से हम एक गाड़ी तो ले ही आएंगे, मुझे मालूम है पक्का हम एक ऑक्शन से एक गाड़ी ले ही आएंगे। एंड एकदम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। एंड यार यहाँ पर बहुत स्लो चलाना पड़ेगा गाइस गाड़ी को, बिकॉज यार ठुक जाती है, अब भी ठुक जाती सीरियसली। एंड इसको भी खड़ा करते हैं, उतरते हैं बाहर एंड इसको भी लगाते हैं सेल पर, दोनों गाड़ियों को सेल पर लगाता हूँ मैं। हाँ भाई इसको लगाया था 20 की, इसको 30 की लगाते हैं, पुट ऑन सेल। एंड इसको लगाते हैं गाइस अपन पूरे 12 की, इसको लगाते हैं एंड अब सीधा चलते हैं बैक। एंड 11 बजे ऑक्शन ओपन होगा, आधे घंटे के बाद मतलब ऑक्शन जो है शुरू होने वाला है, तो सीधा चलता हूँ मैं ऑक्शन पर। एंड ऑक्शन की टिकट कहाँ से, कहाँ पर होता है ऑक्शन यार, ऑक्शन पास ही में है यार, मैं भाग कर जा सकता हूँ। ओके कस्टमर आ चुका है तो पहले यार अपनी कार को सेल कर लेते हैं आई थिंक। अरे कहाँ जाकर रुकोगी मैडम, ओके यहाँ पर। ओके 28 मिल रहे हैं तो 8,000 तो वैसे मिल ही रहे हैं, तो बेच देते हैं, काम करते हैं बेच देते हैं, 29 कर देता हूँ ऑफर। ओके 29 में खरीद ली गाइस एंड हमारा इस गाड़ी का भी कस्टमर आ चुका है। एंड गाइस इस टाइम हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया है यार, अब मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ लेनी पड़ेंगी ऐसा लग रहा है गाइस मुझे, क्योंकि जो भी गाड़ियाँ ला रहा हूँ एकदम बिक जा रही हैं ऑफिस पर, भाई गाड़ी खड़ी ही नहीं मिलती। ओके इसके भी 10,000 मिल रहे हैं, इसका बार्गेन करते हैं एंड 11 में कर देते हैं, 11,000 में इसे हम सेल कर देते हैं गाइस, अगर ये इसके 11,000 देता है तो मैं इसे सेल करने वाला हूँ। ओके तो मैंने इसको भी भाई 11,000 में सेल कर दिया एंड भाई अब तो बार्गेन को स्किल पॉइंट मिलता ही नहीं है। ओके ऑक्शन ओपन था तो सीधा ऑक्शन पर चलते हैं गाइस, भाई लेट हो गया यार, 11 बजे ऑक्शन शुरू होने वाला था, 12 एक घंटा लेट हो गया मैं पूरे। टिकट खरीदेंगे गाइस, दो गाड़ियाँ हैं देखो, मुझे टिकट ख़रीदना चाहिए आई थिंक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ख़रीद सकता हूँ। भाई बहुत भीड़ जा रही है भाई इस गाड़ी की। ओके आई थिंक अबे भाई देख ले लास्ट, भाई हमारे पास पैसे ही नहीं बचे ख़रीदने के, चलो बैठकर देख लेते हैं, देखते हैं कितने की बिकेगी गाइस। 42 से शुरू हुई थी एंड भाई 60,000 की पहुँच चुकी है, 60,000 बन पर गई है। और भाई ये तो कोई सुपर कार है, हाँ भाई फरारी है भाई, इसकी तो बीडी अपनी औकात से बाहर है, तो सीधा चलते हैं भाई बेफिजूल के। 300 रुपये का, 300 का मिलता है ना इसका,
हाँ $300 भाई बेफिजूल के ख़राब करे। एंड सीधा चलते हैं भाई नेबरहुड, अपना तो वही ठीक है, नेबरहुड से ही लेकर आने वाला हूँ कार में। ऑल राइट गाइस, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आप लोग भी यार ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं देखते हो, एंड काफ़ी आज हमने अर्न कर लिया है, क्योंकि जब हमने वीडियो शुरू करी थी तो 30,000 के समथिंग हमारे पास डॉलर थे, एंड आज हम $58,000 का अर्न कर चुके हैं। तो आज हमने $20,000 से ज़्यादा डॉलर का प्रॉफिट जो है कमाया है। तो गाइस अगर आप लोगों को भी यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर आप लोग भी इस गेम को खेलना चाहते हो, फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जाकर चेक कर लेना। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।